प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर के सबसे छोटे से प्रोग्राम को लेकर है। हम उस प्रोग्राम के अंदर ये सीखेंगे कि किस तरह से हम फाइल्स क्रिएट करते हैं और उन फाइल्स को हम फोल्डर के अंदर कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर के सबसे छोटे प्रोग्राम से चलते हैं हम, पेंट के साथ। ठीक है, पेंट। अब मैंने जो इसको रन किया आपने देखा होगा, चलिए मैं आपको रन करने के भी तरीके बता देता हूँ कि कंप्यूटर में हम प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं हमारे, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं स्टार्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर हैं सारे के सारे प्रोग्राम्स। ये देखो इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स डाले हुए हैं सारे इसके अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक तो तरीका यहाँ से है प्रोग्राम्स को रन करने का, जैसे यहाँ से मैंने बताया था कि पेंट। देखो अल्फ़ाबेटिकली आ रहे हैं सारे, ए से शुरू हुए ऊपर से। ये देखो ए अल्फ़ाबेटिकली सी के सी, फिर डी से जो शुरू हो रहे हैं प्रोग्राम वो डी से, एफ से वाले, जी से वाले जो भी नीचे हैं, इस तरह से हमारा जो है वो पेंट है, तो पेंट वाला पी से आ रहा है। ये देखो पी क्यू एस। ठीक है, पेंट। तो एक तरीका तो यहाँ से क्लिक करके हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड ये है कि हम यहाँ से भी लिख के, इसको सर्च बार बोलते हैं हम कंप्यूटर का। ये देखो मैंने लिखा यहाँ पे पेंट, तो यहाँ से भी हम इसको रन कर सकते हैं। ये क्लिक किया और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, तो इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर हमारे पास रहते हैं यहाँ पे ये एक फाइल मेनू है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस रहेंगी, जैसे न्यू नया पेज लेना हो या पहले से बना हुआ है उसको ओपन करने के लिए ओपन है यहाँ पे। ठीक है, सेव करने के लिए यहाँ पे सेव है, और एक दूसरी कॉपी सेव करनी हो अलग अलग फॉर्मेट में, ये उसके लिए सेव एज है। ठीक है, प्रिंट के लिए प्रिंट दिया हुआ है। ठीक है, और एग्ज़िट के नीचे एग्ज़िट दिया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में दिया हुआ है एक होम टैब। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर काम करने के लिए। ठीक है, और इसके साथ में ये एक व्यू टैब, इसको देखने के लिए, जूम इन करने के लिए और जूम आउट के लिए। ठीक है, हमारा काम रहता है होम टैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर हमारा काम होता है कट कॉपी पेस्ट का। कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं ये भी आपको समझ आ जाएगा जैसे हम यहाँ पे काम करेंगे। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे इमेज के लिए कुछ एक टूल्स रहते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, इमेज के लिए, रिसाइजिंग के लिए, रोटेशन के लिए। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं, ये पेंसिल है, ये बकेट वाला कलर फिल करने के लिए, यहाँ पे कुछ लिखना हो ये हमारे पास एक इरेजर रहता है। ठीक है, साथ में हमारे पास एक कलर पिकर भी है और एक जूम टूल है। साथ इसके साथ ये साथ में जो है ब्रशेज हैं हमारे पास अलग अलग साइज़ के, स्प्रेयर भी है अगर स्प्रेयर से हमने कलर भरना हो। ठीक है, ये साइज अलग अलग साइज़ के जो हमारे पास ब्रश हैं ये अलग अलग साइज़ में कलर को फिल करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में आती है फिर अगला जो सेक्शन है वो है शेप्स का। ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है या तो जिनको हम वेक्टर इमेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल सर्कल है। ठीक है, अलग अलग एरोज बने हुए हैं, स्टार्स है, क्लाउड्स बने हुए हैं, तो हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पेंटिंग के लिए। ठीक है, इसके साथ में एक आउटलाइन रहता है और हमारे पास ये साइजेस रहते हैं, ब्रश के लिए साइज़ और पेंसिल के लिए साइज़ है। ठीक है, बाकी आ जाते हैं हमारे पास कलर्स, ये कलर वाला सेक्शन है जिनका यूज़ करेंगे हम कलरिंग के लिए। ठीक है, पहले तो हम पेज का साइज जो है वो छोटा है यहाँ पे, इसको कर लेते हैं बड़ा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे ड्रैग। ठीक है, ड्रैग को हम हिंदी में बोलते हैं जैसे घसीटना, यानी घसीट के इसको खींच के इस तरह से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करते हैं हम पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग के लिए यहाँ पे पहले तो हम साइज़ को कर लेते हैं यहाँ पे कम। ठीक है, ये हेयर पिन नहीं, हेयर साइज़ है, हेयर लाइन है। ठीक है, 1 पिक्सल की है, तो हम यहाँ से इसको इस साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। अब करते हैं यहाँ पे काम, अब इनके जो साइजेस हैं वो वैसे ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को पिक करके यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉ। ठीक है,
अब ड्रॉ करने के बाद हम ये स्काई का जो कलर है उसको कर देते हैं लाइट कलर स्काई। ठीक है, इसके लिए हम बकेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बकेट पे क्लिक किया और बकेट से हम कौन सा रंग करेंगे, ये वाला। यहाँ पे पूरे फिल हो गया क्योंकि ये जो लाइंस हमने लगाई हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये लाइन जो है अगर प्रॉपर लगी होगी यहाँ से इस पॉइंट से ये यहाँ से, ठीक है। अब यूज़ करते हैं इस बकेट का, बकेट से इसके साथ, बट बकेट के साथ इस कलर का, तो या ये जो वाला पार्ट है तो यही कलर होगा फिर। ठीक है, इस लाइन ने क्या किया, इस पेज को बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लाउड्स का। ठीक है, क्लाउड ये पिक किया, ठहरे यहाँ पे, एक पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसका जो कलर है क्लाउड का ये, ठीक है, क्योंकि ये वाला कलर उठा रहा था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये वाला कलर आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे भी एक क्लाउड बना देते हैं, यहाँ पे भी क्लाउड को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये क्लाउड्स बन गए। ठीक है, अब इन क्लाउड्स के अंदर अगर हमने रंग भरना है तो उसके लिए हम बकेट का यूज़ करेंगे और बकेट के साथ इस कलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो ब्रश से भी इनके अंदर रंग भर सकते हैं। बकेट क्या करती है, सीधा रंग कलर फिल कर देती है इस तरह से। ये देखो, ये यहाँ पे ये पूरा ही कर रहा है यहाँ पे, इसके क्लाउड के बीच में थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लाउड्स बन गए। अब बात कर रहे हैं हम इस पेंसिल की, इस पेंसिल से क्या काम कर सकते हैं। ये देखो, इस पेंसिल से हम इस तरह से पेड़ बना सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये आ गया इस पेड़ का तना। ठीक है, ये हो गया इस पेड़ का तना, और यहाँ से हम इन लाइंस को मिला रहे हैं। अगर ये बीच में से खाली रहेगी ना लाइन, तो ये पूरा का पूरा जो तना है ना, ये सारा कलर बाहर फैल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इन लाइंस को क्या करते हैं, चारों तरफ से बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं इसका जो पेड़ का जो झुरमुट है उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ये वाला कलर। ठीक है, इस तरह से ठीक है, ये अब बात करते हैं कलर फिल करने की। तो यहाँ से हम बकेट से क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर लेंगे और इस तरह से इसके अंदर कलर जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, और यहाँ पे बना लेते हैं हम एक घर सा। ठीक है, यहाँ पे घर बना लेते हैं। पहले तो इसका हम कलर जो है, पहले तो कलर ब्लैक, ब्लैक में ही आई सारी चीज़ें। ठीक है, तो ब्लैक में जो लाइन यूज़ होगी यहाँ पे, ये देखो, ये हम पहले बना लेते हैं इसका। सबसे पहले बना लेते हैं हम घर के लिए हमारे पास जो यहाँ पे टूल्स रहते हैं, ये वाला। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा, जैसे घर दिखाया देता है नीचे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ठीक है, इसके बाद इस लाइन को यूज़ करते हैं। फिर इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, ये हो गया। अब बना लेते हैं इसके लिए विंडो और ये डोर। ठीक है, अब चलो करते हैं इसमें कलर। अब कलर के लिए मैं ब्रशेस से भी बता देता हूँ कि ब्रशेस से कैसे कलर होता है। ठीक है, जैसे ये है स्प्रिंकलर, इसका यूज़ करते हैं हम इस तरह से यहाँ पे कलरिंग के लिए। हालांकि पेड़ के ऊपर हमने ये कलर कर दिया था ना, तो पेड़ के ऊपर इससे अच्छा कलर होता है। ठीक है, स्प्रिंकलर से। ठीक है, एयर ब्रश से। तो जैसे अभी ये है घर है, इसके ऊपर अगर हमने कलर करना तो इससे इससे फटाफट कलर हो जाता है। ठीक है, जैसे छत है तो छत को करना है हमने ब्लैक, तो ये ब्लैक हो जाएगी फटाफट। और जो बॉल्स हैं, बॉल्स को करना है मान लो ये वाला, तो ये फटाफट कर देगा कलर। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं कोई और कलर। ठीक है, और कमरों के अंदर का कलर यहाँ से ये वाला दिखाई दे, तो ये वाला कलर। ठीक है, अब एक और पेड़ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको ब्रशेस का भी यूज़ करना बता देता हूँ। ठीक है, ये हुआ पेड़ का तना। ठीक है, ये हो गया पेड़ का तना। अब इसके ऊपर जो पत्तियां दिखानी है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे ये वाला जो ब्रश है, ये जो एयर ब्रश बोलते हैं इसको, ये ठीक रहता है इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो कलर यूज़ करते हैं इसको कर लेते हैं यूज़। ठीक है, अब ये कोई स्प्रिंकलर है, इस तरह से ये जो शो करेगा ना, ये इस तरह से शो करेगा ये। ठीक है, बाकी क्रिएटिविटी तो आपके अपने दिमाग की है, जैसे आपको आती है ना ड्राइंग, वैसे ही कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये एयर ब्रश, ठीक है, स्प्रे करेगा एक तरह से। तो अब इस फाइल को हम चाहते हैं कि बाद में भी हमने इसको देखना और बाद में भी इसको यूज़ करना है, तो हम क्या कर देते हैं इसको सेव भविष्य में यूज़ के लिए। ठीक है, इसके लिए हम इसको कर रहे हैं सेव। ठीक है, इसी में सेव करना है पेंट के फॉर्मेट में हमने। ठीक है, तो टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं मैं गया कंप्यूटर की ड्राइव के अंदर। ठीक है, जैसे दिस पीसी है ना, दिस पीसी के अंदर कंप्यूटर की सारी ड्राइव्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाई देती हैं और यहाँ पे भी साइड दिखाई देती हैं ये। ठीक है, यहाँ से भी सेम वही चीज़ है, यहाँ से भी क्लिक करते हैं वही ड्राइव ओपन होगी, और जिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये ड्राइव जो है इस पूरे के पूरे स्पैन में ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लो ये ऐप ड्राइव, ठीक है, ये ऐप ड्राइव ओपन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे फोल्डर। जैसे ये फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नाम लिखा मैंने स्नेहा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कर देंगे ओपन। जैसे स्नेहा पे मैंने क्लिक किया था, ये देखो ऐप ड्राइव के अंदर स्नेहा नाम का जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम उस फाइल का नाम जो फाइल हमने फोल्डर के अंदर डालनी है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माई ड्राइंग। ठीक है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ पे क्लिक कर दिया सेव। अब ये हो गया परमानेंट सेव, इसको कर देते हैं बंद। अब मान लो आपने कल इसको या किसी को भेजना है इसको ड्राइंग को, या बाद में आप चाहते हो कि इसमें फिर से मैंने काम करना है, तो फिर काम भी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपने जो सेव किया वो किया हुआ है कौन से ड्राइव के अंदर है, चलो नया नाम का जो फोल्डर बना हुआ था यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे बना हुआ है। ये देखो ये स्नेहा, और
इसके अंदर ये देखो ये है वो पेंटिंग सेव। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी पेंटिंग ओपन। ये देखो ये हो गई ओपन, ठीक है, इसके अंदर भी हो गई ये ओपन, ये जो हमने बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से हम सेव करते हैं फाइल्स को। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा जो मेन मोटिव था आपको इस प्रोग्राम के अंदर दिखाने का, वो हम काम कैसे करते हैं और उस काम को हम सेव कैसे करते हैं, फोल्डर के अंदर कैसे इन फाइल्स को सेव करते हैं। जो हमने सेव किया ये फाइल है, ठीक है, और फोल्डर जो है ये है, देखो फोल्डर फाइल को स्टोर करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोल्डर का, ठीक है। और फाइल्स ऐसे क्रिएट होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे हमने पेंट से तैयार की ना ये फाइल, यहाँ पे कंप्यूटर में बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो फाइल्स उनके अंदर जो काम उनके अंदर हम करते हैं ना वो होता है उन्हीं फाइल्स के अंदर, उन फाइल को हम सेव इस तरह से करते हैं फोल्डर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।